जो मर गए हैं उनके लिए शोक करना तो महान गलती है, कारण कि मरे हुए प्राणियों के लिए शोक करने से जो प्राणी शरीर छोड़कर गया है उसको महान दुख भोगना पड़ता है। शास्त्र की बात कह रहे हैं, मनमानी नहीं, गता सुन गता सुश्य। जो शरीर छोड़ता है अगर उसके पारिवारिक जन आंसुओं से रोते तो जितनी आंसू की बूंदे रज में गिरती है उतने समय तक उसे नर्क में रहना पड़ता है। इसलिए कभी भी किसी का परिवार का कोई पधारे तो रो मत, नाम कीर्तन करो, प्रभु का स्मरण करो, प्रभु के नाम कीर्तन से सब बात बन जाती है, किस लिए रोना। जो हमारा प्रियजन उसको दुख देने के लिए रोए क्या, कदापि नहीं। जो पधार गए उनके लिए शोक करना महान गलती है, कारण कि मरे हुए प्राणियों के लिए जो शोक करके आंसू बहाता है उस जीवात्मा को दुख भोगना पड़ता है। पारिवारिक जनों को, ये अज्ञानी जन होते हैं, कुछ लोग तो मतलब ऐसे होते हैं कि उनको रोना ही रोना है, वो एक संगोष्ठी टाइप होती है, गोष्ठी 50 लोग बैठ के, मतलब हृदय में वो कोई बात नहीं पर वो छाती पीटना है और वो रोना है, वो ऐसा सब नहीं। सत्संगी जनों के सब बाहरी बातें, वास्तविक आप अपनापन मानते हैं तो उसके लिए जप कीजिए, प्रियालाल से प्रार्थना कीजिए कि स्वामिनी जो आप कृपा करके इनको अपने चरणारविंद की सेवा में रखिए। ये सब बाहरी बातें, सत्संगी जनों खास जो भगवत प्रेम मार्ग में चलना चाहते हैं, चाहे वो विरक्त वेशधारी हो या गृहस्थ वेशधारी, प्राणियों को उसको दुख भोगना पड़ता है जिसका शरीर छूटता है, पारिवारिक जन बैठ करके शोक सभा मनाते हैं, रोते हैं, नहीं, कीर्तन करना चाहिए, गीता भी सुनानी चाहिए, भागवत का अनुष्ठान करना चाहिए, नृत्य गान आदि, महामहोत्सव, ये महोत्सव है, शरीर छोड़ना ये महोत्सव है। संसारिक जन शोक करते हैं, यहाँ उत्सव मनाया जाता है, इसलिए वो हमारी प्रियाजू की सेवा में गया, कितने बड़े पद का अधिकारी हो गया, हृदय में आह्लादित होना चाहिए। मृतात्मा के लिए जो पिंड दान दिया जाता है, जो जल दान दिया जाता है, शास्त्र का सिद्धांत है कि वो उसे परलोक में मिलता है, और जो पारिवारिक जन आंसू बहाते हैं ऐसा करते हैं, इसलिए मास्त्र बांधवैरमुक्तम प्रेतो भुंते यतो वसाहा तस्मान रोदितव्यम ही क्रिया कार्यास्य शक्तिता। मृतात्मा को अपने बंधुओं के द्वारा जो रोना कफ आदि ये आंसू और ये सब, तो ये सब उसको खाने को मिलता है। आंसू जो निकलते हैं, नार श्लेष्मा खखार, ये सब जो रोता है ऐसे चीखता है हाय है और वो सब गिर, वो उसको खाने को मिलता है, और उसकी दुर्गति होती है जो पारिवारिक जन उसके लिए रोते। ये शास्त्र की बात कह रहे हैं, मनमानी बात नहीं कह रहे, इसलिए भगवान कह रहे गता सुन गता सुश्च नाम सोचन्ति पंडिताः। मृतात्मा के लिए जो कफ और आंसू आदि बहाए जाते हैं, मृतात्मा को परवश होकर खाना पड़ता है, और जो अभी जी रहे हैं उनके लिए भी शोक नहीं करना चाहिए, क्योंकि उनका पालन पोषण, उनका जो भी प्रबंध, उनकी जो भी दशा, उनका जो भी भरण पोषण है, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं, चिंतन करो श्री हरि का, हरि संभालेंगे। प्रभु कहते हैं योगक्षेमं भाम्यं, मैं उसको संभालता हूं। आप सोच सकते हैं कि प्रभु ने ऐसा क्यों किया, क्योंकि अनंत जन्मों का हिसाब खत्म करके अपने जन्म को अपने घर में अपने नित्य सेवा में रख लिया, तुम्हें अपने स्वार्थ के कारण दुख लगता है, प्रभु ने बहुत गलत किया, क्योंकि तुम्हारे स्वार्थ की पूर्ति उस जीवात्मा से हो रही थी। तुम्हें पता है कि पिछले जन्म में क्या था, 30 वर्ष 20 वर्ष का संबंध हुआ तो तुमने अपना मान लिया, और अनंत काल से जो प्रभु का अंश है वो अंशी के समीप गया तो तुम्हें बुरा लग रहा है, वो अपने प्रीतम के समीप गया न जाने कब से बिछड़ा हुआ, तुमने तो बीच में उसे अपना प्रीतम मान लिया, तुमने तो बीच में मान लिया, वो तो सदैव अपने प्रीतम का था, भूल से ऐसा हुआ, अब वो अपने प्रीतम के पास गया है, गलती हमारी जो शोक कर रहे हैं, क्योंकि हमने बीच में मान लिया कि मेरा है,